गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास फर्स्ट की हिंदी पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में आपको पुनरावृत्ति मैंने करवाई थी, ये वाले चैप्टर मैंने करवाए थे। पहले वर्णमाला करवाया था, फिर मैंने आपको पुनरावृत्ति करवाई थी। आज मैं आपको पार्ट एक प्रार्थना करवाऊंगी। ये 12 नंबर पेज पे है। ये जो प्रार्थना है, प्रार्थना कविता जो है, ये क्या है, ये बच्चों द्वारा भगवान से क्या किया जा रहा है, भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रही है। क्यों? उनको नमन किया जा रहा है, उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे भगवान, हम सबको क्या दो, हमें ऐसी प्रेरणा दो कि हम किस राह पे चले, सच्चाई के और मेहनत, मतलब सच्चाई के मार्ग पे चले, मेहनत करें, है ना। ये कविता इसमें ये क्या बताया गया है कि ईश्वर पे हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ये सब इससे, इस कविता से हमें शिक्षा मिल रही है। ठीक है, आपको आपकी कॉपी में ये जो है ना ड्रॉइंग, यहाँ पे ये ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो कविता है वो पढ़ के सुनाती हूँ और आपको भी मेरे साथ में दोहराना है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा ना। हे ईश्वर, है तुम्हें प्रणाम, तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान। मतलब इसका अर्थ है कि ये बच्चे जो हैं वो क्या कह रहे हैं, हे ईश्वर मतलब भगवान, तुम्हें क्या है प्रणाम, है ना, प्रणाम करते ना अपन भगवान को, वो विद्या का दे दो वरदान। क्या बोल रहे हैं, वो विद्या का वरदान मांग रहे हैं, किससे, भगवान से, है ना। गुरुओं का सम्मान करें, ध्यान लगाकर सदा पढ़ें। क्या करें, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए हमें, है ना। गुरु मतलब कौन, आपकी जो टीचर हैं, स्कूल में आपको टीचर पढ़ाते हैं ना, वो गुरु होते हैं। ध्यान लगाकर सदा पढ़ें, मतलब हे भगवान हमें ऐसी, मतलब ऐसा वरदान दो कि हमारा पढ़ाई में मन लगे, सच्चाई के मार्ग चलें, मेहनत से हम नहीं डरें। हमें किसके, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, है ना, हमें मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। सच्चाई मतलब हमें कभी अपने माँ बाप से या बड़ों से या किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो झूठ बोलता है ना तो वो गलत बच्चा क्या बन जाता है, जो सच्चाई के मार्ग पे चलता है वो अच्छा बच्चा बनता है। मेहनत से हम नहीं डरे, मतलब हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए, मेहनत करके ही, मतलब हर कार्य को मेहनत से ही करना चाहिए और हमें मेहनत करके ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। पढ़े लिखे और बने महान, हे ईश्वर हे तुझे प्रणाम। हम क्या करें, पढ़ाई करें, लिखना सीखे, पढ़ना लिखना, है ना, और क्या करें, महान बने। महान बने कैसे, अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो क्या बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे तो बड़े होकर हम अच्छे जॉब करेंगे, है ना। तो भगवान हमें ऐसे वो करो कि हम सच्चे राह पर चले और अच्छे बच्चे बन जाएं और बड़े होकर अच्छे महान व्यक्ति बने। हे ईश्वर हे तुम्हें प्रणाम, और इन सब के लिए हम तुमको क्या करते हैं, प्रणाम। देखो सारे बच्चे प्रणाम कर रहे हैं ना भगवान को, तो सारे बच्चे जब प्रणाम कर रहे, तो आपको भी जब अपने क्लास, मतलब आप पढ़ाई करने से पहले, सबसे पहले आपको ये कविता जैसे है ना, इस तरीके से आपको भी भगवान को प्रणाम करना है। उनसे आंख बंद करके 2 मिनट के लिए भगवान से कहना है कि हे भगवान, हम हमें मतलब सच्चाई के राह पे चलाना, हम मेहनत करें, ऐसी हमें वरदान दो और हम पढ़ाई लिखाई अच्छे से ध्यान लगाकर करें, हमें पढ़ना लिखना आए, है ना, और हम अपने गुरु का सम्मान करें, है ना। इस तरीके से उनको, अपन को हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करना है कि हम भी बहुत अच्छे बच्चे बने। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी, अच्छी लगी। चलो अपन एक बार फिर से पढ़ते हैं, मेरे साथ में तुम भी पढ़ना। हे ईश्वर हे तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान, गुरुओं का सम्मान करें, ध्यान लगाकर सदा पढ़े, सच्चाई के मार्ग चले, मेहनत से हम नहीं डरे, पढ़े लिखे और बने महान, हे ईश्वर हे तुझे प्रणाम। ओके, ठीक है बच्चों, आपको आप ये क्या करना है, आपको ये जो वीडियो मैंने, वो कविता मैंने आपको बताई, इसको आपको पढ़ना है और आपकी कॉपी में आपको लिखना है, है ना, कॉपी में लिखना है। मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है और ये ड्राइंग करना है और फिर उसके बाद में ये शब्द ज्ञान, फिर ये
एक्सरसाइज आपको आपकी कॉपी में करनी है। जैसा मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी वैसे ही करना है, ये कलर भी करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।